प्रदेश भर के नगरीय निकायों में वार्ड परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया के बीच कवर्धा नगर पालिका में भी परिसीमन को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वर्तमान में नगर पालिका कवर्धा में भाजपा का काबिज है वहां पर और कब्जा है, लेकिन प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही परिस्थितियां भी अब बदल गए हैं। वर्तमान में कवर्धा नगर पालिका में 27 वार्ड हैं जिसे जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है, लेकिन नए परिसीमन में कई त्रुटियां नजर आ रही हैं। कई वार्डों में सूची में जितनी जनसंख्या है उतने ही मतदाता दिखा रहे हैं, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोग ही नहीं हैं। वहीं कई लोगों का मकान कहीं और किसी नाम से वार्ड में है दूसरे, और भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए परिसीमन किया गया। वहीं इस मामले में जिलाधीश का कहना है कि दावा आपत्ति आई है जिसके आधार पर आगे का कार्य किया जाएगा। का परिसीमन जो है खासकर नगरीय निकायों का ये फाइनल हो चुका है, इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। वर्तमान में जो मतदाता सूची है उसको लेके वार्डों में काम चल रहा है, और इसके लिए दावा पत्ती का जो समय है छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने जो जारी किया है वो 16 तारीख तक कोई भी व्यक्ति जो है दावा पत्ती कर सकता है। हमने वरिष्ठों ने भी उसमें आपत्ति रखा है, और कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन भी करता हूँ आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, इसको परिसीमन को दोबारा कराया जाए, और निर्वाचन शाखा के निर्वाचन अधिकारी को भी हम लोग पत्र लिखे हैं कि इसको पुनः एक बार परिसीमन किया जाए और ठीक किया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को, हमारे कवर्धा नगरवासी जनता को असुविधा ना हो।